असलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल एसएस क्रोशेट। क्या हाल है, कैसे आप सब लोग, उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज मैं एक ग्लव्स का बहुत ही प्यारा और खूबसूरत सा डिज़ाइन लेकर आई हूँ, और जो बनाने में बहुत ज़्यादा आसान और लेकिन देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। तो ये देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं इतना खूबसूरत लग रहा है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो इसको बनाने के लिए मैं 3 mm क्रोशेट हुक का यूज़ करूँगी, सीजर चाहिए, नीडल चाहिए और बटन्स का यूज़ करना है, और 3-ply वूल में 2 colors की वूल में यूज़ करना है। स्टिच करनी है, स्टिच करने के बाद 25 basic chains लेनी है। 1 skip करके नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया, को सिंगल क्रोशिया के साथ कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट रो इसी से कंप्लीट हो गया। अब 1 chain लेनी है, 1 chain लेके वर्क को टर्न करके अब बैक लूप पे सिंगल क्रोशिया से वर्क करना है। सेकेंड रो को भी इसी तरीके से कंप्लीट करेंगे। बैकिंग में मुझे कंप्लीट हो गया। थर्ड रो को भी इसी तरीके से मैंने बैकिंग को रिपीट करना है। 1 chain लेके वर्क को टर्न करना है, और बैक लूप पे हर रो में हमने वर्क करना है। बैक लूप पे वर्क करते जाएंगे और अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग, अपने हैंड के अकॉर्डिंग लेंथ कंप्लीट कर लेंगे। इसे हर रो में बैक लूप पे वर्क करना है। ये अपने हैंड के अकॉर्डिंग इसलिए देखिए, इस तरह से ये लेंथ को बना के कंप्लीट करना है। लेंथ को कंप्लीट कर लेती हूँ। 20 रो बना के इसकी मैंने यहाँ तक इसकी लेंथ कंप्लीट कर ली है। अब इसको इस तरीके से ऐसे इसको फोल्ड करना है, और इसको यहाँ तक ये देखिए, ये इतना हमने छोड़ के इसको ये यहाँ तक 8 stitches हमने छोड़ देनी है। 8 stitches छोड़ के इसको यहाँ तक हमने स्टिच कर लेना है। यहाँ तक इसको स्टिच कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह इसको स्टिच करके यहाँ से इसको इतना 8 stitches इसकी, इसको यहाँ से स्पेस खोल दिए। वर्क को ऐड करेंगे, वन टू 3, 4, 5 chain हमारे वर्क की, और 1 pattern की 4 chain, और अब ये ट्रिपल क्रोशिया, ये नेक्स्ट इस स्पेस में ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 1 chain, वन टू टू दफ़ा रैप करके ये जो हमारी बैक लूप की जो रोज हैं यहाँ पे, इधर ही देखिए, ये इसके फिर इसको सामने इस तरीके से ट्रिपल क्रोशिया बनाना है।
वन टू थ्री, वन चेन ट्रिपल क्रोशिया, वन चेन देखिए इस तरीके से ये बॉक्स बनाने, इस तरीके से पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं। वन चेन लेनी है, वन चेन लेके वन टू थ्री फोर, फोर चेन में स्लिप स्टिच, वर्क को अंदर से अंदर ऐड करेंगे अपने, वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव चेन सेम स्पेस में ट्रिपल क्रोशिया, वी स्टिच बनानी है। अभी देखें फिर ट्रिपल क्रोशिया, ये नेक्स्ट स्पेस में वी स्टिच, वन टू चेन ट्रिपल क्रोशिया, टू चेन इस तरीके से हर स्पेस में, हर स्पेस में भी स्टिच बनानी है। इस तरीके से सेकेंड रो भी कंप्लीट हो गई है, डिवीजन भी स्टिच बन गई। अब जो वर्क को फिर अंदर ऐड करना है, और फिर वन टू थ्री फोर फाइव और ट्रिपल क्रोशिया, वी स्टिच के ऊपर वी स्टिच बनानी है। सेकेंड रो की तरह थर्ड रो को रिपीट करना है। ये हमारी वी है, नेक्स्ट वी, सेकेंड रो को भी इस तरीके से कंप्लीट करते हैं। देखिए इस तरीके से थर्ड रो भी कंप्लीट हो गई है। अब नेक्स्ट हमने अपनी स्टिचेस को इंक्रीज करना है। अब वी के अंदर सेल बननी है, वन टू थ्री फोर ट्रिपल क्रोशिया, टू चेन ट्रिपल क्रोशिया, नेक्स्ट वी में इस तरीके से चार स्टिच करनी है। इस तरीके से ये देखिए फोर्थ रो और फिफ्थ रो, फोर्थ रो और फिफ्थ रो को इसी तरीके से शेल स्टिच से कंप्लीट करना है। ये देखिए फोर्थ रो भी कंप्लीट हो गई है इस तरीके से। अब ये स्लिप स्टिच करनी है, स्लिप स्टिच से अंदर रहेंगे स्पेस में, वन टू थ्री, थ्री चेन लेनी। अब यहाँ पे हमें डबल क्रोशिया करना है, देखिए डबल क्रोशिया, डबल क्रोशिया से स्टिच को बनाना है, डबल क्रोशिया। अब नेक्स्ट
स्पेस में टू डबल क्रोशिया, टू चेन, टू डबल क्रोशिया। डबल क्रोशिया इस पैटर्न को कंप्लीट करते हैं। तो इस तरीके से देखिए शेल में वर्क को ऐड करना, कलर को चेंज करना, ब्लैक कलर लेंगे और इधर अब हमने थ्री चेन, टू डबल क्रोशिया, वन चेन, थ्री डबल क्रोशिया, वन टू थ्री। अब हमने यहाँ पे थ्री डबल क्रोशिया, टू चेन, थ्री डबल क्रोशिया, वन चेन, थ्री डबल क्रोशिया के साथ इस लास्ट रो को कंप्लीट करना है। इस तरीके से इस रो को कंप्लीट करते हैं। तो ये देखिए मेरा पैटर्न बनके कंप्लीट हो गया है कैसे, और मैंने इसके बटन्स भी लगा लिए हैं, बटन्स को करके इसको अटैच कर लिए हैं। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, मेरे ग्लास का स्टाइल अच्छा लगा, पैटर्न अच्छा लगा, तो मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को लाइक भी प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट किसी और पैटर्न के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफिज़।